अलैकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशनल चैनल। तो हमने आईकॉम पार्ट टू का जॉइन स्टॉक कंपनी स्टार्ट की हुई थी, आज ये उसकी दूसरी वीडियो है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपको जो है वो सारी वीडियोस मिल रहे हैं, ठीक है। जॉइन स्टॉक कंपनी का जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन के साथ साथ ये भी बताया था कि कितनी की कंपनियाँ होती हैं, एक आपकी पब्लिक होती है और एक प्राइवेट कंपनी होती है, और हमने यहाँ पर जो भी काम करना है वो हमने किस हिसाब से करना है, पब्लिक कंपनी के हिसाब से करना है। मैं कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं समझाना आप लोगों को, पहले ही बताया था टू दी पॉइंट बात करनी है, क्योंकि जिस तरह का आपका लेवल है उसी के हिसाब से आपको काम करवाना है। जब आप बी कॉम में जाएंगे तो वहाँ पर हम उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी एग्ज़ाम को पास करने के लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। देखिए हमारे इस चैप्टर में दो चीज़ें, एक मेरे पास होता है शेयर्स हैं और एक मेरे पास होता है डिबेंचर हैं, ठीक है। एक मेरे पास शेयर है और एक मेरे पास डिबेंचर है। चैप्टर ये एक ही है लेकिन इसमें क्या है, उन्होंने दोनों चीज़ों को डाला हुआ है, ठीक है। और इसमें से पेपर आपका लाजमी एक सवाल आता है, कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि एक सवाल आपका लाजमी आना है। तो दोनों को कंबाइन स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले शेयर स्टार्ट करेंगे, शेयर होता क्या है, ठीक है। बेसिकली अगर शेयर की बात करें कि शेयर को उर्दू में कहते हैं हिस्सस, क्या कहते हैं, हिस्सस कहते हैं। शेयर असल में एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट से मुराद आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, आप लोगों ने प्राइस बॉन्ड देखा होगा, ठीक है। प्राइस बॉन्ड एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें सीरियल नंबर लिखा होता है, जैसे कि अगर आप 100 का ले रहे हैं तो उसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी होगी 100 की, अगर आप 200 का ले रहे हैं तो उसके ऊपर 200 की वैल्यू लिखी होगी, अगर आप 1500 का ले रहे हैं तो उसके ऊपर वैल्यू लिखी होगी, साथ उसका सीरियल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह शेयर भी सेम टू सेम वैसे ही होता है, ये भी क्या होता है कि सर्टिफिकेट होते हैं, इसके ऊपर इनके ऊपर वैल्यू लिखी होती है, 100 का भी हो सकता है, ठीक है, 200 का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। तो ये आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल सेम ऐसे बना होता है और इसके ऊपर वैल्यूज लिखी होती है, ठीक है, और साथ सीरियल नंबर होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि शेयर्स होती क्या है, बल्कि होता क्या है। अब शेयर मैंने बता दिया सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। प्राइस बॉन्ड जब आप जाके ख़रीदते हैं, प्राइस बॉन्ड जब जाके आप ख़रीदते हैं तो 100 का आपने प्राइस में ख़रीदा है, लेकिन जब उसका नाम निकलता है तो वो 100 से नहीं होता बल्कि 100 से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है तो वो आपको भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि भी प्राइस बॉन्ड लेके जाते हैं। अब शेयर्स क्या होता है, शेयर्स भी सेम वही कंडीशन है। अब आपको बताते हैं, जब कंपनी को सरमाया की ज़रूरत पड़ती है तो हिस्सस मतलब शेयर्स जारी करती है। अच्छा, अब कंपनी को क्या है कि कंपनी मैंने खोल ली है, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर लोग आए इन्वेस्ट करें, ठीक है। इन्वेस्ट करेंगे तो फिर कंपनी आपकी बड़ी होगी, फिर वो अर्निंग प्रॉफिट के काबिल होगी। उस सूरत में क्या होता है कि कंपनी जो है क्या करती है, दावतनामा जारी करती है। दावतनामा को इंग्लिश में कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था उसमें प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि हम आवाम को दावत देते हैं कि आकर हमारे हिस्सा ख़रीद लें। सिंपल सी बात है, जितनी आवाम आएगी आवाम आपसे आके शेयर्स देगी। अब शेयर तो मुफ्त में देना, वो शेयर्स लेके जाएगी, उसके बदले में आपको क्या पे करेगी, पैसे पे करेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, कंपनी का कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी इसको आप वो से कैपिटल जो है ना हमेशा आपका इंक्रीज़ होता है। फिर जहन बैठा रहे, जब भी कंपनी को अपने सरमायाकारी को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स जारी करती है। शेयर्स आवाम को वो क्या कहती है, दावा देती है, आए हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लें, हमारे कंपनी के हिस्सेदार बन जाएँ। अब क्या होता है, कंपनी वो आवाम आके शेयर्स ले जाती है और शेयर्स के बदले उनको क्या पे करती है, पैसा पे करती है। वो पैसा जो है वो कैपिटल में चला जाता है और कैपिटल क्या होता है, आपका इंक्रीज़ होता है। ये तो शेयर का कॉन्सेप्ट, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि जब कंपनी शेयर जारी करती है उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ शेयर्स, कि कंपनी किन किन तरीके से शेयर जारी करती है। अब ये आप जहन बैठा लें, पहले मैं आपको लिखता हूँ कि शेयर्स इशूड एट पार, ठीक है। दूसरा है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम,
और तीसरा है शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट। अच्छा, ये तीन तरीके हैं जिसको कंपनी देख के जो है शेयर्स वगैरह जारी करती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखने हैं बस, अगर समझे कि आपको समझ आ गई, क्योंकि पार की अलग एंट्री होती है, प्रीमियम की अलग एंट्री होती है और डिस्काउंट की अलग एंट्री होती है, और साथ इसकी बैलेंस शीट होती है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, आप दूसरी वीडियोस में देखें, यहाँ पर भी देखें, बहुत इजी तरीके से। मैं कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं समझा रहा कि वहाँ से उठाया वहाँ से लेकर, सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ जो कि आपका लेवल है। ज़्यादा जब आप बी कॉम में आएंगे फिर उसके तरीके से आपको समझाया जाएगा। अच्छा, अब फर्स्ट करें कि कंपनी कह रही कि मैं कंपनी के बेसिक वैल्यू क्या आती है, कि असल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है। कंपनी जो है ना वो 100 रुपये में जो है शेयर जारी कर रही है, ठीक है। पार का मतलब होता है असल कीमत, ठीक है। पर प्रीमियम का मतलब होता है असल कीमत से ज़्यादा। क्या मतलब होता है? असल कीमत से ज़्यादा। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? असल कीमत से कम। अभी आगे पार का मतलब होता है असल कीमत पर जारी करेगी, प्रीमियम का होगा ज़्यादा और डिस्काउंट का होगा कम। तो ये तीन तारीखें होती है जिसे कंपनी जो है फॉलो करती है। अगर आपको समझ आ गई है तो एंट्रियाँ तो करना कोई मुश्किल नहीं है, वो कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। आप टेंशन नहीं, इसी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि साथ साथ ही हमारे करते जाए, इससे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब पार में क्या होता है? असल कीमत, जैसे कि मैंने कहा है कि बेसिक वैल्यू जो आपकी स्टार्ट है वो 100 है, तो ये आपकी असल कीमत होगी। कंपनी यानी 100 पे जारी करेगी शेयर, ठीक है। मैं शेयर का फिर बताता हूँ कि शेयर की ऊपर वैल्यूज लिखी होती है। अब असल कीमत से ज़्यादा का मतलब है कंपनी कह रही कि हमने 100 का नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने 110 का करना है। आप देखें, असल कीमत आपकी तो 100 है बेसिक है, लेकिन मैं अब यहाँ पर 110 का कह रहा हूँ, इसका मतलब है 10 मजीद जो है ना अंदर ऐड हो गए हैं, यानी 110 का शेयर पड़ रहा है, यानी ज़्यादा कीमत पर जारी कर रहा है, उसे प्रीमियम कहते हैं। वो आपको वैल्यू से पता चल जाएगा कि प्रीमियम पर जारी कर रहा है या डिस्काउंट पर जारी कर रहा है, अगर ना भी लिखा हो तो। डिस्काउंट का मतलब होता है असल कीमत से कम पर, यानी असल कीमत से फर्ज करें मैं कहता हूँ 95 है, आप 80 भी लगा सकते हैं, आप 85 भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी किस हिसाब से जारी करेगी। तो ये असल कीमत पे से कम जारी करेगी। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो याद रखिए, कंपनी तीन तरीक़ों से जारी करेगी, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। या तो आपसे पार की एंट्रियाँ पूछी जाएगी, या तो आपसे प्रीमियम की पूछी जाएगी, या तो आपसे डिस्काउंट की पूछी जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको ये बताना है कि ऑथराइज कैपिटल होता क्या है, इशू कैपिटल होता क्या है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये चैप्टर आप कह सकते हैं कि सिर्फ 2 दिन का है, सिर्फ वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि काम होते हैं वो भी करने होते हैं, हमें असाइनमेंट्स वगैरह भी बनानी होती है। तो इस वजह से आपको कह रहे हैं कि ना अगर वीडियो में थोड़ा सा डिले हो जाए तो आप स्टूडेंट घबराएं ना, बस जो आ रहे हैं ना तो उसको आप साथ साथ तैयारी करें, आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं, उसके जवाब भी देने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर आए हैं, तो अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो जो अमूमन ज़्यादा टाइम होता है वो मेरा रात के वक्त होता है अपलोड करने का, बहुत कम होता है कि मैं सुबह अपलोड कर दूं, लेकिन आप साथ अगर आप लोगों ने बेल आइकन को क्लिक किया हुआ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल गई होगी। और दूसरा ये कि लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से पैसे तो लगते नहीं, ऐसी मोटिवेशन बढ़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो चैनल है इसमें आपको एजुकेशन से मुतल्लिक हर किस्म की जो है वो तालीम प्रोवाइड की जाए, कि आपको और कोई चीज़ की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बने रहें हमारे इस हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियोस को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आई है तो मेन चीज़ क्या है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।